हेलो गाइस, तो लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा कि मैं जयपुर जा रहा था। मैं पहुंचता हूँ जयपुर रात के करीबन 10:30 बजे और वहां पे डिनर करके स्टे ले लेता हूँ अपना और वहीं पे आराम करता हूँ रात में। अगले दिन सुबह मैं निकलता हूँ बिरला मंदिर की तरफ, तो एक रैपिडो बुक करता हूँ सुबह के 5:30 बजे और निकल जाता हूँ एक सुहाने रास्ते को एक्सपीरियंस करने के लिए। रैपिडो वाले भैया मुझे बताते हैं कि मैं जयपुर में और क्या क्या कर सकता हूँ। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होती है हमारी और इसके बाद मैं पहुंचता हूँ बिरला मंदिर में। बिरला मंदिर पहुंचते से मुझे बर्ड्स की बहुत अच्छी चहचहाट सुनाई देती है, बहुत फ्रेश एयर मिलती है और पता चलता है कि ये जो सामने किला आप देख रहे हैं, ये किला साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। हाँ, 364 दिन ये किला बंद रहता है और साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इसकी मान्यता है कि उस दिन साक्षात महादेव नीचे आते हैं और आप जो भी मांगो आपको वो मिल जाता है। बहुत अमेजिंग बात है ये ना। इसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं बिरला मंदिर को। मुझे पता चलता है ये बिरला मंदिर महाराजा द्वारा इसकी जो जमीन थी वो बिरला फाउंडेशन को सिर्फ 1 रुपए में डोनेट की गई थी और सन 1988 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। ये बिरला मंदिर पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। मैं ये कहूंगा अगर आप जयपुर जा रहे हो तो आपके दिन की शुरुआत बिरला मंदिर से होनी चाहिए, बहुत मजा आएगा। आप दिन में सुबह यहाँ पे 6 बजे तक पहुंच जाओ, यहाँ की मंगल आरती अटेंड करो, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।